हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूं और ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसका नाम है फिश शेप सेवई मोमोज की रेसिपी और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और छोटे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है और इसके साथ साथ बड़े लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं और इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पर और अब मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ये ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ये 3 से 4 हरी मिर्च मैंने कट की है मैं उसको ऐड करूँगी इसमें। और ये प्याज मैंने लिया है, 2 से 3 प्याज मैंने कट कर लिए हैं, इसे बारीक चॉप कर लिया है मैं, इसको ऐड कर दूँगी और लाइट ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये शिमला मिर्च, मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है 2 शिमला मिर्च। और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये कुछ चॉप टमाटर, ये 2 टमाटर मैंने लिए थे। अब सारी सब्जियों को थोड़ा हम भून लेंगे 5 मिनट तक इस तरह से। ये देखिए भून चुकी हैं हमारी सब्जियाँ। और अब इसमें 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे, फिर ये 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून ये चिली सॉस मैंने इसमें ऐड किया है और ये टोमेटो सॉस 1/2 कप मैंने इसमें यूज़ किया है, मतलब 2-3 टेबलस्पून। और इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। और अब इसमें हम ये मैगी मसाला मैंने लिया है 1 पैकेट, मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसमें हम ये नमक ऐड करेंगे, मैंने 2 छोटे चम्मच इसमें नमक ऐड कर लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें नमक ऐड कर चाहिए। ये मैंने सेवई ली है, इसको बॉईल कर लिया है, 1 कप सेवई ली है मैंने और हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं और इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए 5 से 10 मिनट तक इसे थोड़ा पका लेते हैं इसके साथ ही। और ये तैयार हो गया हमारा स्टफिंग। और अब हम चलते हैं आगे। ये आटा मैंने लिया है, गेहूं का आटा 1 बाउल के करीब, ये मैं इस थाली में निकाल लूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ये फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ये मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा ये नमक, मिक्स कर लेंगे इसे और इसको कूट लेंगे। बहुत सॉफ्ट आटा हमें नहीं लगाना है, ये देखिए थोड़ा कड़ा आटा ही हमें सानना है इस तरह से। और इसी तरह से हम दूसरे कलर का भी आटा बनाकर मिक्स करके कलर इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये 2 कलर के डो तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सूखा आटा ले लेंगे और ये अब तो ये एक लोई ले लेंगे इतनी बड़ी और अब इसे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेलेंगे, बहुत मोटा नहीं ना बहुत पतला, इस तरह से अंडा आकार हम इसे बेल लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा ये स्टफिंग इस तरह से रखेंगे, उंगलियों से ऐसे थोड़ा बीच में कर देंगे और ये चाकू से कुछ इस तरह से धीरे धीरे स्टफिंग से थोड़ा सा दूरी पे इस तरह से कट करेंगे। बहुत ही इजली ये तैयार हो जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। देखिए हम फोल्ड करेंगे धीरे धीरे, ये फिश का मैंने आगे का जो उसका मुंह होता है वो बना दिया और इस तरह से देखिए एक बार इधर और एक बार ऐसे इधर क्रॉस करते हुए ये मैं इसे डिज़ाइन कर रही हूँ। और हमें ऐसा मतलब इसको करना है, स्टफिंग करनी है कि इसका जो मसाला है अंदर का वो बाहर ना आए। और ये मछली की पूंछ है और अब इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे देखिए फोल्ड कर देंगे। ये तैयार हो गई हमारी फिश इस तरह से। और अब हम ये काली मिर्च मैंने ली है 1 और इससे मैंने ये आँख बना दी, ये देखिए बहुत हल्के हाथ से हम इसे ऐसे उठाएंगे। ये फिश मेरी तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है फिश। और अब इसी तरह से जो मैंने ग्रीन डो तैयार किया था उसे भी मैं इस तरह से बेल लूँगी
ओवल शेप में बेलने के बाद मैं इसमें स्टफिंग करूंगी सेवई की। इस तरह से, और फिर उसी तरह से नाइफ से कट करते हुए साइड साइड का पार्ट। और अब ये इस तरह से धीरे धीरे हाथ से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये क्रॉस करके जब करेंगे तो ये थोड़ा डिज़ाइनर हमारी फ़िश हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आटे से बनी है। आप चाहें तो मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, और आप चाहें तो इसको बॉईल करने के बाद, मतलब बना लेने के बाद, जैसे मोमोज़ बनता है, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे फ्राई नहीं किया है। ये देखिए, इस तरह से शेप देते हुए ये हमारी दूसरी भी मछली तैयार होगी। इस तरह से सारी मछलियाँ बनाकर हम तैयार कर देंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। ये मैंने स्टीम करने के लिए तैयार कर लिया है, प्लेट को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और अब हम धीरे धीरे इसमें जो मैंने फ़िश बनाई है उसको रख देंगे, और अब इसे हम ढक देते हैं। अब मोमोज चटनी की तैयारी करते हैं। ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, 2 टीस्पून के करीब। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ये राई डालूंगी, राई का दाना 1 टीस्पून के करीब। और अब ये 2 से 3 प्याज मैंने ले लिए हैं, बड़े टुकड़ों में इसे कट कर लिया है, और इसे मैं इसमें डालकर थोड़ा फ्राई करूंगी। ये 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 मिर्च, हरी मिर्च, और ये 2 से 3 टमाटर। इस तरह से हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये मोमोज़ की चटनी की रेसिपी है। और अब ये इधर मैं देखती हूँ अपना ये मोमोज़। देखिए, हमारा मोमोज़ बिल्कुल पक चुका है अच्छे से। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर। ये देखिए, हमारे मसाले भी इधर पक गए हैं चटनी के। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने पे ये देखिए, मैंने जार में इसे निकाल दिया है, और अब हम इसे बारीक बिल्कुल पीस लेंगे चटनी की तरह। तो ये देखिए, चटनी के साथ तैयार है हमारी फ़िश शेप मोमोज की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्थी भी है, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।